हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल 6.9 की, हमारे चैप्टर नंबर 6 की. ओके, क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट पार्ट इसका देख रहे हैं. इसमें गिवन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ एल ऑफ सोलेनॉइड. ओके, बी पार्ट में यहाँ पर गिवन है, हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो यहाँ पर अगर हम एक सोलेनॉइड की बात करें, है ना, तो एक सोलेनॉइड जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर यह सोलेनॉइड है हमारे पास में, और इसमें कैपिटल एन दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन इन टू एल. स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एल क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. कैपिटल ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसमें आई करंट फ्लो करवाते हैं, ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें आई करंट फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट एन आई. कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई. और अगर हम इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर की बात करें तो वो होता है वन बाई टू एल आई स्क्वायर. एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस. एल यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, एल यहाँ पर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस. अगर सोलेनॉइड का हम सेल्फ इंडक्टेंस देखें तो वो होता है एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर, म्यू नॉट एल इंटू ए. ओके, ये उसका फार्मूला हम होता है फार्मूला होता है. और ये फार्मूला अगर आपको समझना है कि कैसे आया, तो आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारे देखने रहेंगे. ओके, तो यहाँ पर एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए उसका इंडक्टेंस है. ओके, अगर हम एल का वैल्यू यहाँ पर पुट करें और आई का वैल्यू बी के टर्म में पुट करें, दैट इज बी बाई म्यू नॉट इंटू एन, तो हम इस एनर्जी को बी ए और एल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, U is equal to 1 by 2 n square mu naught L into A. Okay. और I square का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो I का वैल्यू पुट करेंगे B divided by mu naught n into n और इसका होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली n square से n square कैंसिल हो जाएगा, है ना. हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 by 2 n square म्यू नॉट एल इंटू ए. ओके, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू म्यू नॉट स्क्वायर. तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल कर देंगे, और एल इंटू ए ये है इसका वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पर यू इज इक्वल टू हमको मिलेगा वन बाई टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एल इंटू ए. तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल यू की बात करें, है ना, यू बाई वी की बात करें, और वी का मतलब कितना, एल इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो हमारे पास फार्मूला आया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट. और यही वो एक्चुअल में पूछना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी कितना होगा. ओके, बी वाला पार्ट, तो यहाँ पर ए वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ. ये उसका आंसर है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बी एल इंटू ए. ओके, या फिर एनर्जी डेंसिटी भी आप बी डिवाइडेड बाय टू म्यू नॉट लिख सकते हैं. बी वाला पार्ट अगर हम देखें, तो बी वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, है ना. लिखा हुआ है कि हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर. तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी इन कैपेसिटर देखें, तो वो होगा 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, पर उसको अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एल इंटू ए उसको लिख सकते हैं, है ना. ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एल कंसिडर किया, तो इसका वॉल्यूम एल इंटू ए हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है,
ओके और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ पर 1/μ0 आ रहा है, बाकी पूरा के सेम है, यह आप लिख सकते हैं। हाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/μ0 यहाँ पर आ रहा है, तो आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैग्नेटोस्टैटिक से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं। कैपेसिटर में जैसा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही सोलेनोइड में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस वी वोल्ट लगाया तो उसमें जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर होगा वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, मतलब एल इंटू ए या डी इंटू ए भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप सोलेनोइड की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी 1/2 b² / μ0, मतलब एप्सिलॉन नॉट विल कन्वर्ट इनटू 1/μ0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कन्वर्ट इनटू दी मैग्नेटिक फील्ड, बाकी के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट भी हमको समझना पड़ेंगे। अगर हम एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो उसका फार्मूला हमारे पास में आता है b² / 2μ0। और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो वो हमारे पास फार्मूला आता है 1/2 ε₀ e²। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आता है और ε₀ की जगह पर 1/μ0 आता है। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं। ओके ये जो स्मॉल यू हमने लिखा है दीज आर दी एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी हम एनर्जी डेंसिटी के टर्म में ही लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।